वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल आदित्य इन्फोटेक। और दोस्तों हम बात करने वाले हैं एनीडेस्क एप्लीकेशन के बारे में कि हम इसको कैसे यूज़ करते हैं, इसकी जितनी भी सेटिंग है आप उसके बारे में जान पाओगे, आप बिना बताए दूसरे का फ़ोन अपने फ़ोन में देख पाओगे। ठीक है, इससे पहले मैंने इस पर वीडियो बनाई थी जिस पर 27 नवंबर 2020 को यूट्यूब ने क्या कर दिया, स्ट्राइक लगा दिया। ठीक है, स्ट्राइक ऑन 27 नवंबर, ये देखिए ये रही वीडियो जिसे करीब 30,000 लोगों ने देखा था, लेकिन इसको यहाँ पर देखिए हार्मफुल एंड डेंजरस कंटेंट कहकर क्या कर यूट्यूब ने क्या कर दिया दोस्तों, यहाँ पे स्ट्राइक लगा दिए। कोई बात नहीं, फिर भी हम आज बनाएंगे दूसरी वीडियो इसके ऊपर, आपको दिखाएंगे दोबारा कि हम कैसे दूसरे का फ़ोन बड़ी आसानी से उसको बिना बताए अपने फ़ोन में एक्सेस ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसे खोलता हूँ ओपन। देखिए एनीडेस्क एप्लीकेशन का प्रयोग हम क्यों करते हैं, किसी दूसरे का फ़ोन अपने फ़ोन में देखने के लिए, ठीक है, या उसकी हेल्प करने के लिए कि ऐसे करना है, ऐसे कुछ बतानी है, तो हम इसका प्रयोग करते हैं। इसके लिए दोनों ही फ़ोन में एनीडेस्क एप्लीकेशन होने बहुत ज़रूरी हैं। इसके लिए जो इंटरनेट कनेक्शन है वो करीब आपका 100 kbps या 50 kbps तो होना ही चाहिए, ठीक है, तभी अच्छा चल पाएगा। अब देखिए ये जो फ़ोन है ये मेरा है और ये फ़ोन है दूसरे का। अब मैं इस फ़ोन का रिमोट लेने वाला हूँ, तो सिंपली मैं क्या करूँगा, आपको नंबर मिलता है यहाँ पर 816-759-090, आपको यहाँ पर डाल देना है, तो मैं यहाँ डाल देता हूँ। ठीक है, 8167597590090। तो देखिए आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप इसके बारे में और भी कुछ स्पेशल चीज़ें जान पाएंगे। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, ये मेरा फ़ोन है और ये फ़ोन दूसरे का है। तो देखिए ये जो यहाँ पर वार्निंग आ रही है, ठीक है, उसके फ़ोन में जाएगी, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे आप इसको हाइड कर सकते हैं, किस तरीके से आप इसको छिपा सकते हैं उसके फ़ोन में। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ से जब वो पहली बार इसको कर देगा क्लिक, इसे कर देगा क्लिक। ठीक है, ये देखिए अगर कोई रिक्वेस्ट आपको भेजता है, कोई अगर अनजान व्यक्ति भेजता है तो आप इसको कैंसिल कर दीजिए, और अगर कोई आपका जानने वाला भेजता है तो आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। ध्यान दीजिए जब आप एनीडेस्क का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर आप कोई भी पेमेंट एप्लीकेशन जैसे पेटीएम फ़ोनपे का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, ये बातें मैंने आपको बता दी है। उसके बाद यहाँ से जो दूसरा व्यक्ति है उसको यहाँ से क्या कर लेगा, वो एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, यहाँ से फिर दोबारा उसको एक्सेप्ट करेगा वो। तो जैसे एक बार वो एक्सेप्ट कर लेता है फ्रेंड, तो जो उसका रिमोट है वो मेरे फ़ोन में आ जाएगा। जैसे वो यहाँ से वो कुछ भी ओपन करता है, ये देखिए उसने उसको मिनिमाइज़ कर दिया है, तो मेरे फ़ोन में आके दिख जाएगा यहाँ पर। अगर वो ऐसे करेगा, रोटेट करेगा, तो ये सारा चीज़ मेरे फ़ोन में दिखेगा, इतना आप सभी को पता होगा। इसके लिए जो रिमोट जो कहते हैं इंटरनेट कनेक्शन दोस्तों, वो आपका थोड़ा 100 kbps तक भी होगा तो चल जाएगा, 100 kbps या 50 kbps तक भी होगा तो चल जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए आप उसका रिमोट बस देख सकते हैं लेकिन आप कुछ दबा नहीं सकते। जैसे कि मैंने इस फ़ोन का रिमोट ले रखा है तो मैं सिर्फ देख सकता हूँ। ये देखिए अगर मैं चाहूँ कि इसे क्लिक करूँ, इसे क्लिक करूँ, इसे क्लिक करूँ तो नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, जैसे मैं कुछ भी कर रहा हूँ यहाँ से कुछ हो नहीं पा रहा है, लेकिन जो असली वाला फ़ोन है वो कुछ करता है, तो देखिए सब दिखेगा यहाँ पे। तो एक बात आपको समझ में आ गई होगी कि आप बस उसका रिमोट देख सकते हैं। देखिए मैं नीचे करूँ, नीचे नहीं हो रहा, लेकिन अगर वो करता है नीचे अपने फ़ोन से तो वो डेफिनेटली हो जाएगा। ठीक है, तो जो फ्रॉड लोग होते हैं क्या करते हैं कि रिमोट ले लेते हैं और OTP भेजते हैं और OTP देख कर आपका बैंक अकाउंट खाली कर देते हैं। चलिए इतना आपको पता लग गया। अब देखिए मैंने इस फ़ोन का रिमोट लिया है तो इस पर एक नोटिफिकेशन जाती है, ये देखिए कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड रियलमी RMX इज नाउ लाइव नाउ विविंग, है ना, ये देखिए यहाँ पे लिखा पड़ा है कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड। तो ये नोटिफिकेशन उसके फ़ोन में जा रही है तो उसको पता लग रहा है कि हाँ कि मेरे फ़ोन में एनीडेस्क चल रहा है। अब हम इसे कैसे हाइड करेंगे ये बताने वाला हूँ। ठीक है, इसे अब हम हाइड करना सीखेंगे और धीरे धीरे करके सारी सेटिंग इसके बारे में जितनी भी सेटिंग है वो बाद में हम आपको बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं, इसे हम कैसे हाइड करेंगे। तो देखिए आपको कहीं नहीं जाना है, एक शॉर्टकट है या फिर आपके फ़ोन में भी हो सकता है, या मैं आपको बता दूंगा। हम जाएंगे एनीडेस्क के ऐप इन्फो में, इसको मैं दबाए रखता हूँ थोड़ी देर के लिए। ठीक है, यहाँ पर लिखा आ रहा है ऐप इन्फो, मैं उस पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, अब हम एनीडेस्क के एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन में आ चुके हैं जहाँ पर हमें मिलेगा नोटिफिकेशन, ये देखिए ऐप नोटिफिकेशन। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑन रहता है, हमें इसको ऑफ़ कर देंगे। ये देखिए मैंने यहाँ से क्या कर दिया, ऑफ़ कर दिया। ठीक है, अभी ऑफ़ हो चुका है। देखिए जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे सब दिख रहा है यहाँ पे, है ना। अब जरा देखते हैं नीचे कि यहाँ पर आ रहा है कि नहीं आ रहा।
पहले यहाँ पर एनीडेक्स की नोटिफिकेशन शो हो रहा था, अब वो शो नहीं हो रहा है, ठीक है, अब वो यहाँ से पूरी तरीके से हट चुका है। तो ये थी हमारी इसकी दूसरी सेटिंग, ठीक है, आपको पता लग गया होगा। चलिए मैं आपको एक बार दोबारा करके बता देता हूँ कि कैसे होगा। इसको मैं यहाँ से ऑन करता हूँ, ठीक है, ऑन कर दिया मैंने। क्या पता आपके फ़ोन में सेटिंग ना हो, तो सिंपली आप अपने फ़ोन की सेटिंग में जाएंगे, ठीक है, आपका फ़ोन का सेटिंग चले गए आप, उसके बाद जाएंगे आप ऐप में, ऐप एंड नोटिफिकेशन, ठीक है, फिर उसके बाद आप क्लिक करेंगे ऐप इन्फो पे। ये देखिए ऐप इन्फो जो मैंने भी किया था। आपके फ़ोन में भी अलग अलग रास्ता हो सकता है जाने का, ठीक है, इसमें अलग है, आपके फ़ोन में अलग हो सकता है। ये फ़ोन है मेरा, ये लिनोवो का है, और ये जो है मेरा, ये है रियलमी का, ठीक है। तो रियलमी के अंदर कैसे ऐड करते हैं या कोई दूसरा फ़ोन उसमें कैसे ऐड करते हैं वो मैं इसमें बता दूंगा। ये जो लेनोवो का है ये थोड़ा ओल्ड हो सकता है ना, तो मैं आपको इसमें भी बता दूंगा कैसे हम ऐड करेंगे। तो इस पर क्लिक करेंगे एप्लीकेशन पे, यहाँ पे लिखा है ऐप नोटिफिकेशन, इस पर क्लिक करेंगे, ऐसे कर देंगे ऑफ, ठीक है। अब ये नोटिफिकेशन इसकी ऑफ हो चुकी है, अब यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा है कि कुछ चल रहा है कि नहीं चल रहा, और आप उसका रिमोट देख पा रहे हो, ठीक है। तो ये थी हमारी दूसरी सेटिंग, चलिए इसको हम कट कर देते हैं, ठीक है फ्रेंड। अब हम बात करते हैं इसकी तीसरी सेटिंग के बारे में। अब जैसे इसने अपना ये खोलेगा, यहाँ से कर देगा कट, तो जैसे ही कट कर देगा तो यहाँ लिखा आएगा द सेशन वॉज क्लोज बाय द रिमोट यूज़र, मतलब उसने अपना रिमोट बंद कर दिया है, ठीक है, आप कोई बात नहीं, ओके कर दोगे, तो अब वो बिल्कुल फ्री हो चुका है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं इसके जो सेटिंग है, सेट पासवर्ड फॉर अनअटेंडेड एक्सेस। इसका मतलब ये होता है कि वो बिना एक्सेप्ट करे, वो एक्सेप्ट भी नहीं करेगा, और बिना एक्सेप्ट करवाई आप उसका जो रिमोट है अपने फ़ोन में ले लोगे। क्या दोबारा मैं बता रहा हूँ आपको, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ से रिक्वेस्ट भेजते हो तो यहाँ पर देखिए एक्सेप्ट का नोटिफिकेशन आ रहा है, ठीक है। तो इस केस में ये जो नोटिफिकेशन है उसके पास नहीं जाएगा, आप डायरेक्ट उसका रिमोट अपने फ़ोन में ले लोगे, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसे करता हूँ कट। अब देखिए इसे कैसे करना है, सीजन यहाँ से रिजेक्ट हो चुका है। तो इस चीज़ के लिए आपको क्या करना है कि दूसरे के फ़ोन में जाना है, अपने फ़ोन में नहीं करना, ये आपका फ़ोन है, ठीक है, ये दूसरे का फ़ोन है। आप उसके फ़ोन की सेटिंग में जाएंगे, ठीक है, यहाँ लिखा है सेटिंग में, इस पर क्लिक कर देता हूँ, आपको साफ साफ दिख भी रहा होगा। उसके बाद लिखा है दोस्तों सिक्योरिटी, इस पर क्लिक करेंगे आप, आपने सिक्योरिटी पर क्लिक कर दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको एक सेटिंग दिख रही होगी इनेबल अनअटेंडेड एक्सेस, आपको साफ साफ दिख रहा होगा ये, ठीक है, थोड़ा इसको ऊपर कर देता हूँ। यहाँ लिखा है इनेबल अनअटेंडेड एक्सेस, तो इसको आप क्या कर देंगे, चेक कर देंगे यहाँ से, ठीक है, आपने चेक कर दिया है। मैं एक बार दोबारा बता रहा हूँ, ये फ़ोन आपको दूसरे के फ़ोन में करना है, अपने फ़ोन में नहीं करना। अब यहाँ डालेंगे पासवर्ड, कुछ भी डाल देंगे आप, जैसे मैं डालता हूँ यहाँ पे कैपिटल AADI@123, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे डाल दिया है। उसके बाद मैं कर देता हूँ ओके, ठीक है। तो मैंने इसे उसको यहाँ से क्या कर दिया, ओके कर दिया है, ठीक है। ये सेटिंग आपको दूसरे के फ़ोन में करना है। फिर मैं करता हूँ बैक इसको यहाँ से, इसे मैंने कर दिया यहाँ से बैक। अब देखिए, अब मैं इसको दोबारा यहाँ से रिक्वेस्ट भेजता हूँ, देखिए क्या होता है। मैंने यहाँ से रिक्वेस्ट भेज दिया मैंने रिक्वेस्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मांगेगा पासवर्ड आपके फ़ोन में, तो जो आपने डाला है उसमें पासवर्ड, वो पासवर्ड आपको अपने फ़ोन में डाल देना है, ठीक है। तो मैं डालता हूँ यहाँ पे AADI@123, ठीक है। जब आप पासवर्ड डालेंगे तो यहाँ लिखा है लॉग इन ऑटोमेटिकली फ्रॉम नाउ ऑन, मतलब कि अब के बाद से ऑटोमेटिकली ही वो लॉग इन हो जाएगा। इसको आप चेक कर देंगे, ठीक है, और आप कर देंगे इसको यहाँ से, आप कर देंगे उसके यहाँ से ओके। तो देखिए जैसे आपने ओके किया तो वहाँ से आपको एक्सेप्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, बिना एक्सेप्ट करे आपने उसका रिमोट अपने फ़ोन में ले लिया, ठीक है। तो मैं ऐसे करता हूँ, होम पे जाता हूँ, ये देखिए, ठीक है, जो यहाँ से करेगा आपको यहाँ पे दिखाई देगा, जो आपका दूसरा पर्सन है जो भी करेगा आपको यहाँ पे अच्छी तरह से दिखाई देगा, ठीक है। वो नीचे करता है, कुछ भी करता है, आप देख पाओगे, ठीक है फ्रेंड। अब चलिए यहाँ से मैं, ये मेरा फ़ोन है, इस पर क्लिक करके मैं इसको मैं काटता हूँ, जैसे यहाँ से ये काटने का होता है, ये देखिए यहाँ पे वाइट वाइट दिख रहा है, यहाँ से अपने फ़ोन से आप इसे काट सकते हैं, ये देखिए यहाँ से कट, ठीक है, कट हो गया है। अब देखिए ये वाला फ़ोन है, ठीक है, और इसका रिमोट लेना है इसको बिना बताए, यानी कि सेट अनअटेंडेड एक्सेस। तो सिंपली क्या करेंगे आप, इस पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए वहाँ से कोई भी एक्सेप्ट नहीं होगा, यहाँ लिख रहा है वेटिंग फॉर इमेज, वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया गया, मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, अपने सामने दिखाया मैंने, वहाँ से मैंने बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया और मेरे पास रिमोट आ गया।
रिमोट आ गया मेरे पास। चलिए मैं आपको दोबारा काटता हूँ यहाँ से, मैंने कट कर दिया। दोबारा मैं यहाँ से रिक्वेस्ट भेजता हूँ तो बिना वहाँ पर नोटिफिकेशन आए, बिना एक्सेप्ट करवाया आपने ले लिया रिमोट। ये देखिए हल्का सा पॉपअप आया था छोटा सा, लेकिन वो चला गया बिल्कुल एक सेकंड के लिए आया था। और देखिए आपके पास रिमोट आ चुका है, वेटिंग फॉर इमेज। तो इसे कहते हैं सेट अनअटेंडेड एक्सेस। अब इसमें एक चीज़ और होता है कि किसी किसी फ़ोन में क्या होता है कि अगर हम उसको क्लोज़ कर दें, जैसे ये चल रहा है, तो क्या होता है कि जो जो यहाँ पर आपने रिमोट लिया है वो बंद हो जाता है। जैसे मैं अगर इसे यहाँ से काट दूँ ऐसे, तो क्या होता है कि जो रिमोट है वो बंद हो जाता है, ठीक है। लेकिन इस फ़ोन में ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। ये देखिए अभी भी जो रिमोट है मेरे पास है। और अगर मैं देखूँ कौन कौन से ऐप चल रहे हैं, यहाँ से क्लिक करके देखता हूँ मैं, क्या लिखा रहा है, नो रिसेंट आइटम्स। तो ये हर किसी के फ़ोन में नहीं होता, क्योंकि अगर कोई इसको हटा देता है तो कई बार क्या होता है कि वहाँ से जो रिमोट है वो बंद हो जाता है, ठीक है। हर किसी के फ़ोन में देखने को नहीं मिलता। तो देखिए इस केस में आपको क्या करना है, मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। आप दूसरे के फ़ोन में जाएंगे, ठीक है, दोबारा सेटिंग में जाएंगे आप, ये काम उसके फ़ोन में करना है, ठीक है फ्रेंड, जो दूसरा व्यक्ति है। उसके बाद जाएंगे आप ऐप एंड नोटिफिकेशन में, आपके फ़ोन में एप्लीकेशन नाम का हो सकता है। फिर जाएंगे ऐप इन्फो पे, दोबारा हमें यहाँ पर जाकर एनीडेक्स पर आना है, ठीक है। ये रहा एनीडेक्स। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ होती है कि बैटरी ऑप्टिमाइजेशन, मतलब कुछ एप्लीकेशन होते हैं कि बैटरी को बचाने के लिए वो अपना बंद हो जाते हैं, और कुछ एप्लीकेशन होते हैं जो चलने के लिए थोड़ा बैटरी कंज्यूम कर लेते हैं। तो हमें क्या करना है कि इसको अलाउ करना है बैटरी, ताकि बैटरी थोड़ा कंज्यूम करे लेकिन चले। बैटरी थोड़ा कंज्यूम करेगा लेकिन ये बैकग्राउंड में चलता रहेगा। तो यहाँ पर लिखा होगा दोस्तों बैटरी, नो बैटरी यूज सिंस लास्ट फुल चार्ज। मैं आपको दिखा दूँ एक मिनट, यहाँ मिल जाएगा, इस पर क्लिक करता हूँ। इस पर लिखा है बैटरी ऑप्टिमाइजेशन, शायद इसमें सेटिंग नहीं है क्योंकि थोड़ा लेनोवो का है, ओल्ड है ये, ठीक है। चलिए ये सेटिंग मैं आपको इसमें दिखाता हूँ कि बैकग्राउंड में कैसे चलेगा ये। देखिए ये रहा एनीडेक्स, ठीक है। आपको जाना है सेटिंग में, मे बी जो आपका फ़ोन है बिल्कुल ऐसा ही होगा नया वाला, ठीक है, ये वाला आपका फ़ोन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ये सेटिंग आपको उसके फ़ोन में करनी है, मैं आपको इसमें दिखा रहा हूँ क्योंकि उसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें जाएंगे आप एप्लीकेशन में, किधर एप्लीकेशन, ये रहा ऐप मैनेजमेंट, ठीक है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, और ऐप मैनेजमेंट पर क्लिक करने के बाद हम जाएंगे एनीडेक्स पे सीधा। तो ये रहा एनीडेक्स, दूसरे नंबर पर ही है। अब देखिए अभी जो मैं सेटिंग बता रहा हूँ ये सारी, ये वाली ये आपको उसके फ़ोन में करना है, अपने फ़ोन में नहीं करना। ध्यान दीजिए ये फ़ोन थोड़ा ओल्ड है, लेनोवो का है, इसलिए इसमें सेटिंग नहीं आ रही है, लेकिन जो ये चीज़ है ये आपको उसी के फ़ोन में करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है पावर सेवर, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर तीन चीज़ें हैं, अलाउ प्रोहिबिट स्मार्ट रेस्ट्रिक्शन, तो बाय डिफ़ॉल्ट दूसरे पर रहता है, आप क्या करना है इसे अलाउ कर देना है। अलाउ आप इसलिए कर रहे हैं ताकि वो बैकग्राउंड में भी चल सके, अलाउ आप इसलिए कर रहे हैं ताकि वो बैकग्राउंड में भी चल सके, ठीक है। फिर कर देंगे बैक। उसके बाद ये देखिए ऑटो स्टार्टअप लिखा है ना फ्रेंड, ऑटो स्टार्टअप, इसको भी कर देंगे क्लिक। यहाँ लिखा है फ्लोटिंग विंडोज़, इसे भी कर देंगे आप चेक यहाँ से। इसे कहते हैं ना फुल कंट्रोल लेना, फुल कंट्रोल मतलब अगर वो काट भी दे तो चलता रहे। और क्या यहाँ पे, ठीक है, अलाउ नो डिस्प्ले, जो भी है ना दोस्तों सेटिंग ऑफ है आप उसके फ़ोन में ऑन कर देंगे, ठीक है। इस एप्लीकेशन की जितनी भी सेटिंग है आप उसको ऑन कर देंगे, लेकिन जो यहाँ पे ये नोटिफिकेशन वाला है इसको आप ऑफ कर देंगे, है ना, अलाउ नोटिफिकेशन इसको आप कर देंगे ऑफ, ताकि वहाँ पे दिख ना पाए कि वहाँ पे कोई एनीडेक्स चल रहा है, ठीक है। मैं इसे ऑफ कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। ये फ़ोन आपको उसके फ़ोन में करना है, इतना काम आपने कर दिया। चलिए अब हम दोबारा विक्टिम के फ़ोन पे आते हैं। ये थी हमारी दूसरी सेटिंग की, उसको बिना बताए, यानी कि सेट अनअटेंडेड एक्सेस हमने आपने, ठीक है। दोबारा मैं लेता हूँ एक बारी, इस पर क्लिक, ये रहा नीचे आ जाएगा आपके, यहाँ मैं क्लिक करता हूँ, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। चलिए उसका जो रिमोट है मेरे पास अभी भी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, उसका रिमोट मेरे पास आ गया। अब देखते हैं कि अगर वो अपना फ़ोन बंद कर देता है तो क्या होता है, ठीक है। तो चलिए एक बार इसका फ़ोन बंद करके देखते हैं हम। मैं रिमोट यहाँ से काटता हूँ और इसके फ़ोन को थोड़ा लॉक कर देता हूँ एक बारी, ठीक है। ठीक है, मैंने उसका फ़ोन लॉक कर दिया है। अब यहाँ से रिक्वेस्ट भेजता हूँ, उसने अपना फ़ोन बंद कर दिया है, ठीक है, और मैंने यहाँ से रिक्वेस्ट भेज दिया है। तो देखिए उसका फ़ोन बंद है,
लेकिन मेरे पास जो उसकी इमेज अभी भी आ रही है, ठीक है। ये देखिए, ये मेरा फ़ोन है और ये उसका फ़ोन है, ये ब्लैक फ्लैग यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं इसको ऑन करता हूँ एक बारी। ठीक है, इसको मैंने ऑन कर दिया है, ठीक है, ऑन करता हूँ। तो अभी भी आप देख सकते हैं कि मैं इसका रिमोट देख पा रहा हूँ, ठीक है। अब हम करते हैं इसकी तीसरी इम्पॉर्टेंट सेटिंग, ठीक है। ये तो आपने बहुत देख लिया कि बिना एक्सेप्ट करवाए आप उसका रिमोट ले सकते हैं। यहाँ से मैं कट करता हूँ। अब मैं आपको बताने वाला हूँ इसकी इम्पॉर्टेंट सेटिंग कि आप उसकी आवाज़ भी सुन पाएंगे। अगर वो कॉल करता है तो आप उसकी आवाज़ भी सुन पाएंगे बड़े ही आसानी से। तो देखिए, कुछ नहीं करना, आपको उसके फ़ोन में जाना है, सेटिंग पे जाना है। ये देखिए, यहाँ पे लिखा है सेटिंग, साफ साफ लिखा हुआ है। क्लिक करेंगे और यहाँ देखेंगे आप ऑडियो, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे आप। यहाँ लिखा है इनेबल ऑडियो ट्रांसमिशन, आप क्या कर देंगे, चेक कर देंगे इसको। यहाँ से करेगा अलाउ, आप इसको अलाउ कर देंगे, ठीक है। यहाँ लिखा है इनेबल ऑडियो ट्रांसमिशन, तो आपने क्या कर दिया, इसको अलाउ कर दिया आपने, आप कर देंगे बैक इसको। चलिए देखते हैं क्या होता है। मैं इसका दोबारा रिमोट लेता हूँ, इसको बिना बताए इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। मैं दोबारा रिमोट लेता हूँ यहाँ से, एक मिनट, ये रहा, ठीक है। अब देखिए, चलिए मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाता हूँ, थोड़ा इसकी आवाज़ बढ़ाता हूँ मैं। आपको मेरी आवाज़ दोबारा आ जाएगी क्योंकि वो दूसरी आवाज़ मेरे इस फ़ोन से आ रही है, ठीक है। ये देखिए, मैं उसको उठा कर आपको आवाज़ सुनाता हूँ, आपको दोबारा इसकी आवाज़, हेलो, ठीक है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, ये देखिए, अब ये दोनों फ़ोन पास में हैं इसलिए आवाज़ कर रहा है, ठीक है। अगर आप दो फ़ोन पास में रख देंगे कॉल करके तो उसमें से आवाज़ आती है, ठीक है। तो मैं इसको अभी यहाँ रख रहा हूँ और इसे मैं करता हूँ आवाज़ कम कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो अभी दोनों फ़ोन बहुत पास में हैं तो आवाज़ करते हैं, जैसे दो माइक अगर पास में आ जाते हैं तो आवाज़ करते हैं, वैसे ये फ़ोन पास में रखे हैं इसलिए आवाज़ कर रहे हैं। लेकिन आप क्या करोगे, आप जो उसकी आवाज़ है आप सुन पाओगे, ठीक है। ये देखिए, आवाज़ अभी भी आ रही है। तो इसे मैं करता हूँ कट। तो ये थी कुल, मैंने चार सेटिंग बता दिए मैंने, ठीक है। और एक बार और लास्ट बार मैं आपको दिखाता हूँ करके, इस पर क्लिक करना है, बिना एक्सेप्ट करें आप उसका रिमोट ले सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ ट्रेनिंग के लिए है, अगर आप उसका गलत प्रयोग करते हो तो इसके रिस्पॉन्सिबल आप खुद होगे, ठीक है। मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताया है, मैंने बस एनीडेस्क की सेटिंग के बारे में आपको बताया है कि इसको कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है, और मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया है। कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अगर कोई डाउट है, ठीक है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर आप इसको इंस्टॉल ना करें, ठीक है, और ना ही एक्सेप्ट करें। और जब आपने एक्सेप्ट कर लिया है, चाहे आपके दोस्त ने करवाया है, तो आप पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे का इस्तेमाल ना करें, ठीक है। नहीं तो आपकी जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो भी चोरी की जा सकती है, ठीक है। तो कोई कमेंट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन है उसकी आपकी वहाँ पे बहुत बहुत सहायता की जाएगी, ठीक है। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।